प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज मैं आपको शीघ्र विवाह हेतु एक अत्यंत सरल परंतु महत्वपूर्ण और उपयोगी उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को करने से पूर्व आप यह ध्यान रखें कि यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और अगर कोई लड़का या लड़की करना चाहे तो वह भी स्वयं के लिए करके इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही आप जिसके लिए भी करना चाहे, आपसे उनका कोई भी संबंध हो, आप अगर उनके विवाह के लिए करना चाहे तो आप इसे कर सकते हैं। इसे आपको 9 दिनों तक करना है। यह उपाय 9 दिनों का है। आप इसे कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं। अब 9 दिन करना है तो ऐसे में आप अभी वर्तमान का उपयोग कर सकते हैं। आगे नवरात्रि आ रही है और आप नवरात्रि के 9 दिन इस उपाय को करके अत्यंत श्रेष्ठ इसका लाभ ले सकते हैं। और माता पिता अगर करते हैं तो उन्हें भी यही करना है और अगर कोई अन्य करते हैं या स्वयं भी करते हैं तो आपको इसी तरह से करना है जो विधि मैं आपको आज बता रहा हूँ। उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप अन्य कोई वीडियो में बताए गए उपाय करने चाहे, आपको लगता है कि यह उपाय नहीं हो पाएगा या अन्य कोई वीडियो देखना चाहे तो उसके लिए यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने आपको एक शीघ्र विवाह के जो उपाय बताए गए हैं उसकी लिंक दे दी है। साथ ही वीडियो के अंत में भी आपको यह वीडियो मिल जाएंगी और इसकी जो लिंक है वह आपको वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएंगी। आप उसे बाद में जाकर अवश्य से देख लीजिएगा। अब आइए सर्वप्रथम आपको इस उपाय की मैं विधि बताता हूँ किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको यह करना है कि किसी भी दिन आप प्रारंभ करें, कोशिश करें कि कोई शुभ उस दिन तिथि आती हो, जैसे नवमी, एकादशी या फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता हो या फिर कृष्ण पक्ष में भी चतुर्थी जैसा त्यौहार या कोई भी शुभ दिन आता हो तो आप उस दिन से प्रारंभ करें। उसके बाद आपको यह करना है कि जब जिस दिन प्रारंभ करें उस दिन अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाए या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए, आसन आदि आप लगा ले और वहीं पर बैठकर आप एक काम करें कि सर्वप्रथम तो आप अपने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, सभी आप जिनकी भी पूजा करते हो उनकी प्रार्थना करें और उनसे कहे और जिसके लिए भी कर रहे हैं उनका नाम लेते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि इस नाम का या उनसे संबंध आप बताएं कि यह मेरा भाई है, यह मेरा लड़का है या फिर जो भी आपका संबंध हो आप वह बताएं और नाम लेकर आप यह बोले कि जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं किसी का नाम है रमेश नाम है किसी का, तो ऐसे में यह कहेंगे कि रमेश जो मेरा पुत्र है मैं उसके लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके विवाह में आ रही सभी बाधाओं को आप कृपया दूर करें और इसे इसका शीघ्र विवाह हो जाए और इसका दाम्पत्य जीवन मधुर रहे, इसी कामना के साथ आज मैं यह उपाय प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप इसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। उसके पश्चात आपको एक काम यह भी कर लेना चाहिए कि अपने पास या तो आप कोई भी माला ले लीजिए, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की या अन्य कोई भी माला आपके पास हो तो वह आप ले लीजिए। उसके पश्चात अगर माला ना हो तो आप यह भी कर सकते हैं कि अपने हाथ की उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, बस आपको गिनती करना है तो आप किसी भी प्रकार से गिनती कर सकते हैं। करना क्या है, अभी मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र की आपको प्रतिदिन 11 माला जाप करनी है और ऐसा 9 दिनों तक करना है। क्या करना है, जब भी प्रारंभ करें तब से लेकर अगले 9 दिनों तक आपको 11-11 माला अभी जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ उसकी करनी है और 9वें दिन आपके पूरे हो जाने के बाद जो 9वां दिन है उस दिन आपको 9 माला और करना है। अर्थात आप इसे इस प्रकार समझिए कि 9 दिन 11 माला करने से आपके कुल जो मालाएं हो जाएंगी वह 99 माला हो जाएंगी। उसके बाद आप अगर 9 माला और करते हैं तो आपकी टोटल 108 माला इस मंत्र की पूर्ण हो जाएंगी, जिससे आप यह देखेंगे
कि इन 9 दिनों के अंदर आपका जो आपका मंत्र किया गया है, पूरे 108 माला जो आपने जाप किया है, उसका पूर्ण परिणाम आप उन्हें मिल रहा है, और विवाह में जो भी परेशानियां आ रही थी वह भी दूर हो रही है, और साथ ही सभी देवी देवताओं और आपके किए गए इस मंत्र के द्वारा उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो रहा है, और आपकी भी जो परेशानी है वह दूर हो रही है। इस उपाय में विशेष रूप से मैं माता पिता का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आजकल यह स्थिति बन गई है कि बच्चे, लड़का हो या लड़की, वह उपाय करना नहीं चाहते हैं। उन्हें पूजा पाठ में किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता है। कई बार यह भी स्थिति होती है कि वह अपने कार्य के कारण वह उपाय आदि नहीं कर पाते हैं, तो कई स्थिति ऐसी भी बन जाती है। तो इसलिए जो भी स्थिति आपके साथ बने, अगर माता पिता करना चाहे तो इसी प्रकार से करें, और मंत्र कौन सा है वह समझ लीजिए। मंत्र है क्लीम देवेंद्राणी नमोस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि मे क्लीम। यह पूरा मंत्र है, इसकी 11 माला जाप करनी है 9 दिनों तक, और अंत में 9वें दिन 9 माला और करनी है, अर्थात 9वें दिन कुल 20 मालाएं हो जाएंगी। आपने पूरी तरह से इसकी क्या विधि है वह तो समझ ली है, लेकिन आप ध्यान रखें मंत्र बड़ा है तो थोड़ा समय भी लग सकता है, इसलिए समय निकालकर आराम से धीरे से बैठकर करें। सुबह या शाम, दोपहर में कभी भी समय मिले, एक साथ पूरी 11 माला करनी है तो वह एक साथ ही करें। आखिरी दिन भले आप यह कर सकते हैं कि जो 11 माला है वो आपने सुबह कर ली, और जो 9 माला है उसे आप बाद में भी कर सकते हैं, वह आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। परंतु अन्य दिन जो 11 माला करनी है वह एक साथ ही करें, तो आपको शीघ्र परिणाम अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, प्रतिदिन 11 माला पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा पानी आपको अपने आसन के नीचे डालना है, और उस पानी को अपनी आंखों पर और माथे पर लगाकर आपको अपने कार्य से पूर्ण हो जाना है, अपने स्थान से उठ जाना है, और अपनी जो दिनचर्या है आप उस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप भी यह उपाय करेंगे, अपने किसी भी संबंधी के लिए करेंगे, तो शीघ्र ही उन्हें परिणाम मिल जाएगा। अगर यह भी स्थिति बनती है कि वह विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वह भी शीघ्र अतिशीघ्र मान जाएंगे, और आपको जितनी भी परेशानी उनके विवाह के कारण आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस मंत्र से जहां एक और विवाह में जो भी परेशानियां आ रही है वह दूर होंगी, साथ ही भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, और इसके साथ ही आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आपके इस एक मंत्र से सभी प्रकार की जो स्थिति है वह मजबूत हो जाएंगी। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ केवल 9 दिन यह उपाय करें, आपको शीघ्र ही इसका शुभ परिणाम मिलेगा, और आप देखेंगे कि जिसके लिए भी आप यह मंत्र आदि कर रहे हैं उनके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर भी हो जाएंगी। तो यह तो जो उपाय मैंने आपको जनरली बताया है वह हो गया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार की या स्वयं की भी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर देख ही पा रहे हैं, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए, आपको सभी जानकारी मिल भी जाएंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर और उपाय आदि सभी बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज जो जानकारी बताई है वो आपको पूर्ण रूप से मिल भी गई होंगी, और आप यह उपाय करके शीघ्र ही लाभ उठा पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।